दोस्तों, मैं ना पहले मार्केट बेस्ड कंडीशनर्स यूज करती थी और फिर मैंने नोटिस किया कि एक दिन के बाद ही मेरे बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, जो दोस्तों काफी नॉर्मल है क्योंकि इनमें अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स होते हैं जो इनिशियली तो आपके बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाते हैं, लेकिन एक दिन के बाद ही फिर से वही। तो मेरे जैसा शायद आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसीलिए मैंने पढ़ना शुरू किया कि कैसे अपने बालों को घर पे कंडीशन किया जाए नेचुरली। तो मुझे एक बहुत ही आसान तरीका मिल गया और मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया। तो यही सिंपल रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रेमेडी, क्योंकि ये मेरे बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाता है बट विदाउट ड्राइंग इट आउट। मैं जस्ट एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके स्कैल्प से टिप तक लगा लेती हूँ। अगर आपके बाल लंबे हैं, तो आप इसका प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। मैं बालों के एंड्स पे ज्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि ये हमारे बालों के सबसे ज्यादा डैमेज हिस्से होते हैं। जब बाल एयर ड्राई हो जाए तब उन्हें मैं सही तरीके से कंघी कर लेती हूँ। कंघी करना सही तरीके से बहुत जरूरी है, नहीं तो बालों को भारी नुकसान हो सकता है। इसी के बारे में एक वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे देखे जा रही हूँ, आप उसे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब जब भी मैं शैम्पू करने के बाद कंडीशन करती हूँ, तो मैं इसी रेमेडी को यूज करती हूँ विदाउट हैविंग एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और अपनी फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।